तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल की खबरों ने देश भर में खलबली मचा दी है। श्रद्धालु हैरान हैं कि आखिर लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल कैसे हुआ। हम लोगों ने लड्डू बिल्कुल नहीं लिया, 10 लड्डू हर बार लेके जाते थे, इस बार ट्रैवलिंग के साथ जो एक लड्डू मिलता है बस वही एक लड्डू लिए। पूरे मामले की जांच पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है, अब राज्य सरकार की तरफ से कराई गई जांच की रिपोर्ट की FSSAI की तरफ से छानबीन होगी। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है, इसीलिए हर राजनीतिक दल के नेता कुछ भी कहने से पहले सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन सियासत भी अपनी चाल में चल रही है। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है, बीजेपी के तो साथ थे जगन रेड्डी और अब चंद्रबाबू नायडू जी भी इन्हीं के साथ हैं, तो बीजेपी क्या भाषण दे रही है हमको, कहिए ना तुरंत एक्शन लें, क्यों बैठे हैं, माहौल बिगड़ने की इंतजार कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष YS शर्मिला ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. तेलुगु देशम पार्टी ने YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी का सीधा आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट में पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी के संबंधियों की बड़ी भूमिका रही है और इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते। दोनों चेयरपर्सन हैं, दोनों भी जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार हैं। हम लोगों ने पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर समग्र विचारण होना चाहिए। बीजेपी लगातार ये आरोप दोहरा रही है कि मंदिर ट्रस्ट में दूसरे धर्मों के कुछ लोगों को जगह दिए जाने की वजह से ये घटना हुई है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना ये अक्षम अपराध है। पिछली सरकार के समय में TTD बोर्ड में कर्मचारियों को नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया। लगातार गर्माते विवाद के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की सफाई सामने आई। There are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. We don't have any internal lab to test adulteration. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।